ये इक्वेशन दी हुई है तीन, हमसे क्या फाइंड ए एंड बी फॉर विच, पहला पार्ट दे रखा यूनिक सॉल्यूशन, दूसरा दे रखा इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन, और तीसरा पार्ट दे रखा है नो सॉल्यूशन। ठीक है, तो हमने ना पहले डी निकाला, डी में क्या करना है 211 A216 B3, सॉल्व करा डी तो कितना आ गया, ई आ गया। मुझे नहीं लगता इसमें तुम्हें दिक्कत होगी, तो हो जाएगा। फिर हमने डी एक्स निकाला, तो पहले वाले कॉलम को हटा के हमने कांस्टेंट टर्म लिख दी 854, और बाकी ऐसे रहने दिया। इसे सॉल्व किया तो ये हमारे पास आया 2 - A और 15 - 4 B। फिर हमने डी वाई निकाला 211 854, और ये सेकंड कॉलम हमने चेंज कर लिया, बाकी ऐसे रहने दिया। ठीक है, तो ये आ गया 0। फिर ऐसे हमने डी जेड निकाला, और डी जेड हमारे पास आ रहा है A - 2। अब हमारे पास ना डी एक्स आ गया, डी आ गया ये, डी एक्स आ गया ये, डी वाई ए और डी जेड ये। यूनिक सॉल्यूशन के लिए कंडीशन होती है डी इज नॉट इक्वल टू 0, तो 2 - A 3 - B इज नॉट इक्वल टू 0, तो ए इज नॉट इक्वल टू 2 एंड बी इज नॉट इक्वल टू 3। ये यूनिक सॉल्यूशन के लिए ए और बी की वैल्यू होगी। 2 और 3 के अलावा कुछ भी रखते रहो, ए को 2 मत रखना और बी को 3 मत रखना, कुछ भी रखो हमेशा यूनिक सॉल्यूशन आए। अब आते हैं इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन। इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन में डी डी एक्स डी वाई डी जेड तीनों चारों 0 होने, डी दे रखा 2 - A 3 - B 0, डी वाई ऑलरेडी 0 है। ठीक है, तो यहाँ से दो पॉसिबिलिटी हैं कि 2 - A 0 आ जाए और 3 - B 0 आ जाए। अगर ए इक्वल टू 2 आता है तो इसमें ना डी एक्स और डी जेड भी 0 हो जाएंगे, क्योंकि डी एक्स क्या लिखा हुआ है, डी एक्स लिखा 2 - A और 15 - 4 B। देखो जरा, ए की जगह 2 रखो, 2 - 2 0 हो गया, डी एक्स 0 हो गया, डी जेड कितना है हमारे पास A - 2, 2 - 2 कितना होगा 0, तो ए इक्वल टू 2 पर क्या हो गया, डी एक्स भी 0 आ गया और डी जेड भी 0 आ गया, डी वाई पहले से 0 था, तो इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन हो गया। ए की वैल्यू कितनी हो गई हमारे पास 2। ठीक, अब बी की वैल्यू अगर मैं ये रखता हूँ, बी इज इक्वल टू 3, देखना यहाँ 3 रखने पे क्या 0 आएगा, नहीं आएगा, तो केवल ए ही आने दो यहाँ से। ठीक है, अब आ जाते हैं बी की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, बी अगर ए 2 है तो बी की कोई वैल्यू होगी, हमेशा इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन होगी, तो बी क्या होगा एनी रियल नंबर। अब आए थे नो सॉल्यूशन के लिए, नो सॉल्यूशन के लिए डी 0 होता है पहले, तो डी को 0 रखो, तो या तो ए 2 आएगा या फिर क्या आएगा, बी 3 आएगा। ठीक है, अभी दोनों चीज़ें सोच के चल रख के चलते हैं। डी वाई हमारे पास 0 है, नो सॉल्यूशन के लिए एटलीस्ट डी एक्स डी वाई डी जेड इन तीनों में से कोई एक नॉन जीरो आना चाहिए। डी वाई तो 0 है, तो डी एक्स और डी जेड नॉन जीरो आने चाहिए, कोई भी एक। अगर हम ए को 2 रखते हैं तो देखो डी एक्स क्या था हमारे पास, डी एक्स था हमारे पास 2 - A and 15 - 4 B, तो अगर हमने ए को 2 रखा तो डी एक्स 0 हो जाएगा, और डी जेड कितना था हमारे पास A - 2, ए को 2 रखने पर डी जेड भी 0 हो जाएगा, तो ए इक्वल टू 0 तो नहीं रखेंगे, क्योंकि ए इक्वल टू 2 रखते के साथ ही डी एक्स डी वाई डी जेड सब 0 हो जाएंगे, है ना। अब देखते हैं अगर हम 3 रखते हैं बी को 3 रखते हैं, तो डी एक्स और डी जेड जो हैं ये तो नॉन जीरो आ रहे हैं, है ना, तो B की वैल्यू क्या होगी हमारे पास 3 हो जाएगी, किसके लिए, नो सॉल्यूशन के लिए। और A की वैल्यू क्या होगी, अदर देन 2 हो जाएगी, 2 के अलावा कुछ भी चलेगा।